हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे इवनिंग स्टार, जिससे आने वाले दिनों में निफ्टी में क्या हो सकता है पता चल जाएगा। वैसे तो हमने एक वीडियो बनाया ही था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्रैश, वो लेवल टूटने में थोड़ा 2 दिन ज़्यादा लग गया है, बट इट्स ओके। अभी देखते हैं आगे और कुछ सीखते हैं। ज़्यादातर लोग सपोर्ट से बाय करते हैं, पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी अगर आपको बेयरिश सिग्नल मिल रहा हो तो फिर सपोर्ट पे बाय करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि निफ्टी में हुआ क्या है। तो 2 दिन पहले यहाँ पे इट ओपन इन द गैप अप, उसके बाद वो गैप फिल हो चुका है विद द गैप डाउन, यानी आज बहुत बड़ा फॉल आपने आज देख लिया है। अभी बात ये आती है कि ये बेयरिश पैटर्न है जिसका नाम है, आप देख सकते हो इवनिंग स्टार, देखिए इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये थियरी है, इसीलिए आपको मैं पहले थियरी बता देता हूँ फिर प्रैक्टिकल में ले चलता हूँ। सेम ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। गैप अप, तो वो गैप अप हमें यहाँ पे दिखा था, एक डोजी तो वो भी हमें यहाँ पे दिखी थी, राइट। फिर हमें जो चाहिए वो यहाँ पे एज पर द कंडीशन हमें सब कुछ मिला है, राइट। अभी देखते हैं आगे हम कुछ इसमें और फिल्टर कर सकते हैं और बढ़िया इसको बना सकते हैं, राइट। देखिए सेम ऐसा है, सिर्फ ये जो कैंडल है वो थोड़ी नीचे है, ये कैंडल थोड़ी ऊपर थी, पर उसमें कोई रूल नहीं है। बाकी जो रूल्स है वो यहाँ पे थियोरेटिकल रूल्स आ हियर, बट हम प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। तो ये सब हो जाने के बाद, यानी ये सब हो चुका है, राइट। अभी इसमें एक चीज़ है, स्पीड में तो जाएगा अभी ऐसा दिख ही रहा है, पर बात यह है कि यहाँ पे थमना चाहिए, हमारे हिसाब से थमना चाहिए, यानी हमें वेट करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, गिर भी सकता है, वॉट एवर जो भी हो, हमारी नीड क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर शॉर्ट जाना है तो एक ही नीड है कि मंडे का क्लोज ऊपर आना चाहिए, उसके बाद हम जा सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो भी कंडीशन अभी फिलहाल के लिए बेयरिश दिख रही है, ऐसा एक क्लोज ऊपर दे देता है, फिर आपको देखना है कि दोनों में से जो भी लोअर हो उसके नीचे हम जाएंगे। देखते हैं मंडे रिएक्शन लेता है कि नहीं, पर शॉर्ट में जाने से पहले रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किया था ADX के साथ, तो वो तो आज टूट चुका है। अभी यहाँ पे हमें एक रिएक्शन चाहिए, उसके बाद अगर ये लो ब्रेक होता है तो हो सकता है और फॉल आए, राइट। 14467.75 आपको यहाँ पे विंडो में दिखेगा, 14467.75। चलिए अभी देख लेते हैं, ADX में दिखा दूँ तो पता चलेगा कि अभी भी ट्रेंड डिफाइन नहीं है, पर लोगों को ऐसा भी लगेगा कि इतना बड़ी मूवमेंट आने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि ट्रेंड डिफाइन नहीं है, तो नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। अभी इसमें मंडे ADX में क्या होना चाहिए बता देता हूँ, ऊपर एक रिएक्शन चाहिए जो मैंने अभी पेंट में आपको दिखाया। तो जब रिएक्शन आएगा तो ऐसे -DB ऐसे रिएक्शन ले सकता है, वो आ जाए तो और अच्छा है, फिर ट्यूसडे और अच्छा फॉल आ सकता है। पर अगर मंडे ये लो ब्रेक हो ही जाता है तो मैं शायद शॉर्ट में एंटर होना उतना एडवाइजेबल नहीं मानता हूँ, हो सकता है ज़्यादा गिरे भी, पर एडवाइजेबल है कि एक रिएक्शन आ जाए। ज़्यादा इसलिए गिर सकता है कि हो सके कि ग्रीन लाइन ये ADX के नीचे चला जाए, राइट, तो फॉल आ सकता है। पर इसमें अभी ऐसे जोन में ADX है कि बड़े ग्रीन और रेड कैंडल बनना उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ज़िगज़ैग जैसा ADX हो चुका है, ऐसे भी वापस नीचे चला जाएगा, ऐसे चांसेस बहुत है। और हो सकता है कि +D जो है वो वापस ऊपर उसको काटे, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है जो अभी आपने देख रहे हैं 2 दिन से, राइट। तो ऐसा वापस हो सकता है, ये रेड नहीं है, इसको ग्रीन कंसीडर कीजिएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। तो भले ही ऊपर हमें एक बेयरिश पैटर्न मिली है, पर यहाँ पे वी नीड वन रिएक्शन, राइट फ्रेंड्स। तो ADX से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, पता चल गया कि ADX +D -D एक दूसरे को क्रॉस करता रहेगा तो ग्रीन और रेड की जर्नी चलती रहेगी, बट हमें यहाँ पे एक रिएक्शन चाहिए, उसके बाद एक हमें सिग्नल क्लियर मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर कम्युनिटी, राइट। तो उनको भी बचाएं, उन्हें उनको भी बताएं कि ऐसे आप सीख के कर सकते हो। ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि जिस दिन यहाँ पे ग्लिच हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, तो वहाँ पे कुछ पता नहीं क्या हुआ है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर उसमें फोकस ना करें और चार्ट पे फोकस करें एंड बिलीव इन योरसेल्फ, राइट फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।